नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। दमोह जिले की जैन पंचायत भवन में एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। इंडियन काउंसिल ऑफ प्रेस एवं अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार के सदस्यों द्वारा किया गया। इस सभा में मीडिया सामाजिक कार्यकर्ताओं की उपस्थिति रही। घटना पिछले सोमवार की है, जहां पर एक नाव विवाह का धारणा रजत का शव पन्ना जिले के जगदीश स्वामी मंदिर में मिला। शव मिलने की जानकारी मंदिर के पुजारी द्वारा पुलिस को दी गई। पुलिस की जांच में पाया गया कि उक्त महिला दमोह जिले की है। पन्ना पुलिस ने दमोह पुलिस से संपर्क किया था, फिर धरना रजक पिता हरि से जग को सूचना दी। सूचना लगते ही संपूर्ण परिवार पन्ना पहुंचा, जहां पर पाया गया कि घटना के पहले धारणा रजक अपने ससुराल वालों के खिलाफ शिकायत लेकर थाना कोतवाली पन्ना पहुंची थी, जहां पर पुलिस वालों ने उसकी कोई बात नहीं सुनी एवं उसके पति को बुलाकर उसके साथ भेज दिया गया। पति के साथ जाने के बाद उसके साथ क्या हुआ ये किसी को नहीं पता, लेकिन कुछ घंटे बाद ये सूचना मिलती है कि एक महिला जगदीश स्वामी मंदिर के कुएं में मृत अवस्था में पाई गई। छानबीन में पता चलता है कि ये दमोह निवासी डॉक्टर हरीश रजक की पुत्री है, जिसका विवाह है कुछ वर्ष पूर्व पन्ना निवासी के साथ हुआ था। शादी के बाद से ही ससुराल पक्ष द्वारा लगातार दहेज की मांग की जाने लगी। आए दिन धारणा के साथ उसके ससुराल वाले मारपीट किया करते हैं और दहेज की मांग करते थे। दहेज की मांग इतनी बढ़ गई कि धारणा का ससुराल में रहना भी दूभर हो गया, जिसको लेकर उसका केस कोर्ट में भी चल रहा है, जिसमें भरण पोषण मारपीट प्रताड़ना जैसे मुद्दे शामिल हैं। जब मामला गंभीर हो गया तो ससुराल वालों ने धारणा को बहला फुसलाकर राजीनामा कर लिया और ससुराल बुला लिया। ससुराल पहुंचने के एक हफ्ते बाद धारणा की लाश जगदीश स्वामी मंदिर में मिलती है। सोशल मीडिया पर एक और यह भी वायरल हो रहा है, जिसमें धारणा ये कहती हुई है कि पापा आप पैसे दे दो, मैं नौकरी करके वापस कर दूंगी। बेटी के ये आखिरी शब्द सुनकर सभी के आंसू आ गए। उनको नहीं मालूम था कि ऐसा हो जाएगा। हमारे देश में दहेज प्रथा आज भी चरम पर है। कहने को तो दहेज रोकने के लिए कई कानून बने हैं, लेकिन धरातल पर इसकी हकीकत कुछ और ही नजर आती है। शादी के सपनों के राजकुमार द्वारा दहेज के नाम पर प्रताड़ित, क्रूरता और अमानवीय व्यवहार किया जाता है। दहेज प्रथा एक नासूर बन गया है। क्या हम दहेज के नाम पर बेटियों को ऐसे ही मरने देंगे? एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मामा कहलाए जाते हैं और दूसरी तरफ उत्पीड़न, दहेज, मारपीट जैसे मुद्दे उन्हीं बहनों के सामने आते हैं। क्या यह एक जनहितैषी मुद्दा नहीं है? क्या बेटियां ऐसी ही मरती रहेंगी? मामा जी विचार करें। आइए जानते हैं पिता हरिकृष्ण ने क्या कहा। संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। बोला था कि हम रख लेंगे, उन्होंने फोन करके हमारी बेटी को बुलाया, पहला फैसला करके और वहाँ बुला करके उसकी हत्या कर दी, मार कर कुएं में डाल दिया। ऐसा बहुत ही गलत किया, उन्होंने बहुत ही गलत काम किया है। वो हमारी बेटी के साथ हुआ है, ऐसी अन्य बेटियों के साथ ना हो। हम सब लोग आवाज़ उठाएंगे, सरकार से गुहार लगाएंगे, सख्त कानून बनाए, क्योंकि दोषी डरें ऐसा गलत करने से। दहेज मांगने वालों से खुलेआम हमारी बेटी बताती थी कि हम इससे पैसे मांग रहे, पापा हम क्या करें। तो हम उसको समझा देते, बेटा एक बार अगर आप पैसे दे देंगे तो हम ऐसा कि मांगेंगे, आपको परेशान करेंगे। फिर भी हमने उनको समझाया कि आप अच्छे से रखो, जो भी होगा हम करेंगे अपनी बेटी उसी के लिए।